मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने खोज निकाला पानी से भरा हुआ समुद्र। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से जिस ग्रह को सबसे ज्यादा खास बताया जाता है वो है हमारा अपना ग्रह पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी को सबसे खास बनाए हुए है यहां पर मौजूद जीवन का होना। और अगर बात की जाए इस जीवन के आधार की, तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ पानी है। पानी के बिना जीवन जीना असंभव है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि फिलहाल ही किसी दूसरे प्लेनेट पर भी पानी की खोज की गई है, और वो भी इस पानी की क्वांटिटी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि पानी का पूरा समुद्र यहाँ पर खोजा गया है, तो दोस्तों ये ग्रह और कोई नहीं है बल्कि हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह मंगल है। लेकिन पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी इतनी भी कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह तक सिर्फ 1 किलो सामान को पहुंचाने में ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि मंगल तक अपने किसी भी सामान को लेकर जाना कितना ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि हर बढ़ते हुए सामान के साथ हमारे मिशन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों एलन मस्क लगातार इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये सब कुछ कब तक होगा और होगा भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। और किसी भी प्लेनेट पर जाने के लिए सबसे बड़ा इशू बन जाता है पानी, क्योंकि खाने से भी ज्यादा हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ पानी को ही दूसरे प्लेनेट तक ले जाने के लिए हमारा मिशन कॉस्ट काफी ज्यादा पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक मंगल और चांद के ऊपर पानी की खोज करते रहते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी हैं, पानी की खोज को प्रायोरिटी दी जाती है। वैज्ञानिकों को मंगल के ऊपर की जाने वाली रिसर्च में अक्सर सक्सेस मिलती रही है। साल 2008 में एक मिशन के दौरान मंगल ग्रह पर एक ट्रेंच देखा गया जिसे डोडो गोल्डीलॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमें मंगल की कुछ इमेज देखने को मिली। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ सफेद सफेद दिखाई देगा। ये सफेद सी दिखने वाली चीज और कुछ नहीं है बल्कि बर्फ के टुकड़े हैं जो कि मंगल की सरफेस पर मौजूद हैं। इसके अलावा नवंबर साल 2017 में भी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि मंगल के ऊपर हाइड्रेट सॉल्ट मौजूद है। इसके अलावा 2005 में भी एक मिशन के दौरान मंगल ग्रह के ऊपर हाइड्रेटेड मिनरल्स की खोज की गई। कई बार ये एविडेंस मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह के साउथ पोल पर सैकड़ों किलोमीटर के एरिया पर परमाफ्रॉस्ट फैला हुआ है। दोस्तों परमाफ्रॉस्ट उस पानी को कहा जाता है जो कि मंगल ग्रह की सॉइल पर मिक्स फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अलावा साल 2012 में मंगल ग्रह पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर ने एक सूखी हुई जमीन को भी ढूंढा था। दोस्तों ये देखने में एक ऐसा फिजिकल फॉर्मेशन लग रहा था जो कि बहते हुए पानी की वजह से बनी हो, जिसको देखने के बाद ये पता चला कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल की सरफेस पर बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज मौजूद होंगे। दोस्तों इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी ये वाटर रिजर्व वैज्ञानिकों की किसी भी काम नहीं आए, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है सब्लिमेशन। अगर आप नहीं जानते कि सब्लिमेशन क्या है तो हम आपको बता दें। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक ट्रेंच की इमेज दिखाई थी जिसमें फ्रोजन आइस दबी हुई थी। इसमें जो आपको थोड़ा सा हिस्सा दबा हुआ दिखाई दे रहा था, असल में वो पूरा का पूरा हिस्सा थोड़े समय पहले आइस कैप से ढका हुआ था। लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर एनवायरमेंटल एक्सप्लोजन की वजह से यह आइस कैप सब्लिमेंट हो गया, यानी कि वो पानी जो कुछ वक्त पहले बर्फ था वो सीधा गैस में बदल गया, वो भी बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। मंगल पर होने वाला इतना फास्ट सब्लिमेशन ये बताता है कि इस प्लेनेट की सरफेस के अंदर कितने ही आइस कैप मौजूद क्यों ना हो, वो एटमॉस्फेयर में होने वाले एक्सप्लोजन की वजह से आज या कल सब्लिमेंट हो ही जाएंगे। और जब तक हम इंसान इतने डेवलप होंगे कि मंगल पर जाकर कॉलोनी बना सकें, तब तक हो सकता है कि यहाँ इतने आइस कैप्स ही न बचें कि इस जगह सरवाइव किया जा सके। अब दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो बहुत जल्द से जल्द मंगल पर पहुंचकर आइस कैप को कवर कर लें ताकि आइस कैप सब्लिमेंट ना हो पाए, और दूसरा या तो हमें मंगल की सरफेस के अंदर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्व मिल जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मंगल पर भेजा गया एक इनसाइड लैंडर जिसने नवंबर 2018 से 2022 तक काफी सारा मंगल ग्रह का डेटा रिकॉर्ड किया, जिसमें एक सिस्मोमीटर भी लगाया गया था। सिस्मोमीटर उस डिवाइस को कहा जाता है
जो कि किसी ग्राफ के ऊपर भूकंप वगैरह की रीडिंग को रिकॉर्ड करता है, और पूरे 4 साल तक मेहनत करने के बाद इनसाइड लैंडर ने लगभग 1300 सेस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, जिसमें से कुछ तो मेट्रोइड की वजह से क्रिएट हो गई थी तो कुछ मंगल पर आने वाले भूकंपों की वजह से हुई थी। दोस्तों, इन सेस्मिक वेव के जरिए ये पता किया जाता है कि क्या किसी सरफेस के नीचे कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि नॉर्मल अंडरग्राउंड सरफेस एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो। इन वेव्स को सरफेस के अंदर भेजकर ये पता किया जा सकता है कि आखिर ये वेव्स किस मटेरियल के अंदर से पास होकर आ रही हैं। और इन्हीं वेव्स से जो डेटा निकल कर आया, उसने बताया कि मंगल की सरफेस के बहुत ज्यादा नीचे ग्रेनाइट की एक लेयर मौजूद है और उसके अंदर कई सारी बड़ी बड़ी दरारें हैं और इन दरारों के अंदर ढेर सारा पानी भरा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पानी इतना नीचे कैसे पहुंच गया। तो दोस्तों, जिस तरह हमारी पृथ्वी की सरफेस के ऊपर मौजूद पानी धीरे धीरे करके पृथ्वी की सरफेस के अंदर चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हजारों साल पहले मंगल की सरफेस पर मौजूद पानी भी धीरे धीरे करके मंगल की सतह के नीचे पहुंच गया और अब वहां जाकर स्टोर हो गया होगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पानी को बाहर किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि ये पानी मंगल की सरफेस के लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा बहुत पानी नहीं है, बल्कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इस पानी के जरिए एक बहुत बड़ा समुद्र बन सकता है, जिसके जरिए हम इंसानों की जरूरत सदियों तक पूरी हो सकती है। और इस पानी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है ड्रिलिंग मशीन्स को मार्स तक पहुंचाने की, जो कि कम से कम 20 किलोमीटर गहरी हो, जिसके जरिए हम एक ऐसा होल या पाइपलाइन बना पाए जो कि 20 किलोमीटर अंदर से पानी को बाहर निकाल सके। इसके अलावा एक पावरफुल मोटर और उसकी एनर्जी सप्लाई, ये मोटर इतना पावरफुल होना चाहिए कि ये 20 किलोमीटर की गहराई से भी पानी को खींच सके। और सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसी जगह जहां पर इस पानी को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अगर हम इस पानी को मंगल पर खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो यहां मौजूद रेडिएशन की वजह से या तो ये पानी पीने लायक नहीं रहेगा या फिर सॉलिड आइस के जैसे गैस में तब्दील हो जाएगा। और जिस मोटर की हम बात कर रहे हैं, उसे चलाने के लिए बिजली का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मंगल पर जाकर बिजली जनरेट कर सकें। दोस्तों, अभी की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इस समुद्र के पानी को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि पता नहीं है कि आने वाले 10 या 20 सालों में हम ये सब तैयार कर पाते हैं या नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं तो शायद इस पानी को मंगल की सरफेस से निकाला जा सके और हम इंसान मंगल पर कॉलोनियां बनाकर रह सके। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया के एक ऐसे जंगल के बारे में जो कि अमेजन जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है, तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।